This is my world. Here, knowledge is my best friend that addresses me towards success. Welcome to the Pioneer International School. वी सेकर्मा फैलायलो पाटण नो एकमात्र ग्रीन कैंपस डिजिटल क्लासरूम अपडेटेड लाइब्रेरी किड्स पार्क एंड वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज वर्ल्ड क्लास करिकुलम म्यूजिक एंड डांस साइंस एंड कंप्यूटर लैब Community Awareness Program, Safe Transportation Facility. Every child is unique. जरूर छे एमने डेवलप करवानी अने आ काम फक्त एक यूनिक संस्थाज करी शके. To develop my future, so I am here. Bye. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. कल तक हमने बात की थी केमिस्ट्री का जो पहला फर्स्ट चैप्टर है अपना बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ा था. सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स डिटरमिनेट करते हैं, और भी केमिस्ट्री और फिजिक्स में कॉमनली आप साइंटिफिक नोटेशन करना सीख चुके होंगे. सिग्निफिकेंट फिगर्स का मल्टीप्लाइकेशन करना, एडिशन करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवीजन करना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं. साइंटिफिक नोटेशन भी देखा होगा आपने. तो हम आज बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट में. मेन आता है आपका जो मोल कॉन्सेप्ट, अथवा इसी चैप्टर का नाम होता है मोल कॉन्सेप्ट, अथवा इसका दूसरा नाम होता है बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. एक ही बात है. तो इस वाले चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखो पहले भी हमने इसका बेसिक लेक्चर लिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. नीट की रेफरेंस से या JEE में हम देखे जाए तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले एग्जाम्स के अंदर. तो मोल कॉन्सेप्ट और ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री सबसे पहले आपने पढ़ा होगा पिछले लेक्चर में, और आप जानते भी होंगे 7 फंडामेंटल यूनिट, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इन सब की यूनिट के बारे में 7 फंडामेंटल यूनिट. उसके बाद आप आए थे साइंटिफिक नोटेशन करना या फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालना. अच्छे से जानते हो, काफ़ी प्रैक्टिस भी हो गई है. थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इन वाले टॉपिक में कोई दिक्कत होने की, आई होप कोई तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी. अब हम बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में. जैसे आप 9th 10th में भी पढ़ते आए हो, 9th 10th 11th कॉमनली मोल कॉन्सेप्ट, जो एक अपने आप में केमिस्ट्री का एक बैकबोन है, आगे भी बहुत काम आता है. मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आते ही है, इससे आप इक्विलिब्रियम कर सकते हो, थर्मोडायनेमिक में भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. 12th में आप आगे चैप्टर पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह, उसमें भी मोल कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ के आ रहा है तो यूनिटरी मेथड आप लगाओगे. केमिस्ट्री में हर जगह आप कई तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बना सकते हैं. तो जैसे मोल कॉन्सेप्ट में मेन कैसे बैकबोन का काम करता है, आपने एक यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा कि मान लो कि एक पेन 5 रुपये का है, 5 रुपीज. एक यूनिटरी मेथड की बात हम करें, 1 पेन 5 रुपीज. तो 20 पेन हाउ मच रुपीज, 10 के नीचे 10, ₹10 के नीचे ₹10. तो यूनिटरी मेथड आराम से आप कर सकते हो. 1 पेन के 5 तो 20 पेन के कितने यूनिटरी का है, 20 × 5 / 100 रुपीज. एक छोटे लेवल पे आपने बात की होगी. तो एक यूनिटरी मेथड है वो बहुत जगह आपके काम आती है, और फिजिकल केमिस्ट्री में मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारी प्रॉब्लम इससे आप सॉल्व कर पाओगे. तो मोल के क्वेश्चन सॉल्व करने के 2 तरीके हैं. एक तो आप फॉर्मूला बेस्ड चले जाइए, सीधे फॉर्मूले याद कर लीजिए, लर्निंग कह सकते हैं आपको, या फिर यूनिटरी से चले जाइए. दोनों तरीके हैं, आपको जो तरीका बेस्ट लगे वो आप यूज कर सकते हैं. पहले मैं दोनों तरीके से बात करता हूँ. पहले भी हम बात कर चुके हैं मोल. मोल इज डिनोटेड बाई एन. एन बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स. मोल कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है. मोल की बात करें तो
कोई भी नंबर है, जैसे एक मोल की वैल्यू कितनी होती है 6.022 × 10^23। जैसे मैंने कहा कि वन मोल कोई नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 6.022 × 10^23 एटम्स 23 मॉलिक्यूल्स, ये मोल की कोई नंबर है, वैल्यू है एग्जैक्ट। एवोगैड्रो नंबर हम इसको कहते हैं, इसको एन ए से डिनोट किया जाता है, एन ए। तो मोल निकालने का फॉर्मूला आपको पहले भी बताया स्टूडेंट, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, अथवा आप कह सकते हो, और अगर इसको मैं दूसरे तरीके से कहूँ तो एटम के लिए एटॉमिक मास हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है। एटम मतलब जैसे हाइड्रोजन अकेला है तो अब ये क्या है, एटम है। अगर मैं इस हाइड्रोजन के दो एटम कर दूं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दो एटम आपस में कंबाइन हो जाए तो क्या बनेगा, H2। अब ये क्या बन गया, मॉलिक्यूल्स बन गया, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि एटम के लिए एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये मोल निकालने का एक पहला फॉर्मूला हो गया। या फिर मोल निकालने की दूसरी फॉर्मूले, और भी फॉर्मूले यूज कर सकते हैं आप मोल के। जैसे आपको कोई स्पीसीज दी और मोल निकालना है, नंबर ऑफ स्पीसीज, कोई भी स्पीसीज की नंबर दे दी, या एटम, या फिर मैं ऐसा कहूँ आयन अपॉन एन ए, तो आपको क्या मिल जाएगा, एन ए क्या है, इसको मैं एन कह सकता हूँ, इन सबको एन, एन अपॉन एन ए। अगर आपको वॉल्यूम दे रखा है और फिर मोल निकालना है तो ऐसा भी कह सकते हैं, एन इजिकल टू मोल इजिकल टू वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाय 22.4, ये भी आप कर सकते हो। अगर आपको इस तरह से निकालना है एट एस टी पी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर जो कि आप जानते हो, और भी मोल निकालने का फॉर्मूला, अगर ये वॉल्यूम मिली लीटर में है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 22,400 ml से डिवाइड कर दो। तो ये चार फॉर्मूले अगर आप यूज करते हो तो मोल निकल जाता है, या तो आप ऐसे चले जाइए, अदरवाइज मोल्स निकालने के लिए और मोल बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या तो ये फॉर्मूलों से चलिए या फिर एक कॉन्सेप्ट याद रखिए इस तरह से, वन मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर मास, या फिर उसका एटॉमिक मास इजिकल टू वन मोल इजिकल टू उसका मॉलिकुलर मास एटॉमिक मास इजिकल टू 6.022 × 10^23 मॉलिक्यूल्स। ये एक लाइन आपको याद है तो आपको सारे ये फॉर्मूले भी याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो आप इसके थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, कॉन्सेप्ट बनाओगे तो बिल्कुल आपको दिमाग में रह जाएगा। अगर आप ये फॉर्मूले याद नहीं रखते हो बच्चों तो आप इसको याद रखिए, वन मोल किसके बराबर होता है, वन मोल उसके मॉलिकुलर मास अथवा एटॉमिक मास जो कि हम ग्राम में लेते हैं, जिस यूनिट होगी ग्राम में लेंगे हम, और ये मॉलिक्यूल्स। अब देखिए ये अगर आपको लाइन याद है तो आप जा सकते हो मॉलिक्यूल्स में। मैंने कहा आपको सपोज क्वेश्चन, एक मोल N2, वन मोल N2 का वेट क्या होगा, बस मॉलिकुलर मास या एटॉमिक मास ग्राम में, एक मोल नाइट्रोजन N2 का मोलर मास 28 ग्राम सीधा, एक मोल नाइट्रोजन का मास क्या होगा, उसका मोलर मास के बराबर 28। मोलर मास पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, हर एक 20 तक एलिमेंट का मोलर मास और एटॉमिक मास निकालना आपको सिखाया था। तो भी वन मोल, मैं कहूँ वन मोल एन तो आप क्या कर लोगे, यहाँ पर 14 ग्राम। मैंने कहा वन मोल ऑफ H2O, अब मैंने मॉलिक्यूल्स ले लिया पूरा, आप क्या लिख लोगे यहाँ पर, H2O का मोलर मास कितना होता है स्टूडेंट, 18 ग्राम इज इक्वल टू Na के बराबर। Na क्या होता है, 6.022 × 10^23। इस तरह से आप ये फॉर्मूले से भी आप प्रॉब्लम कर सकते हो, खाली ये एक लाइन है इससे पूरे ये फॉर्मूले बन जाएंगे, ये मीटर वाले नहीं बनेंगे लेकिन ये सारे बन जाएंगे। अब कंडीशन क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो मोल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा, इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा क्लियरिफिकेशन होगा आपको,
ये फॉर्मूले आपने नोट डाउन कर ही लिए होंगे। जीवन मास जो कि ग्राम में लेना है आपको और मोलर मास भी ग्राम में लेना है। वैसे एटॉमिक मास की मॉडर्न एटॉमिक यूनिट होती है वो यूनिफाइड होती है, लेकिन हम उसको ग्राम में अभी लेते हैं मोलर कॉन्सेप्ट कैलकुलेट करने के लिए। तो चलिए अब ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट किए बिना हम आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नोट डाउन करिए, इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम बना लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कुछ दो चार तरह की प्रॉब्लम हम करते हैं। अगर आपको पूछा कि मास ऑफ वन एटम, सपोज आपको पूछता है कि मास ऑफ वन एटम निकालना है किसी का भी वन एटम का मास, एक और फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फॉर्मूला दिमाग में रखना, मास ऑफ वन एटम या ए एटम, एक ही एटम का मास निकालना कभी भी, तो उसका मोलर मास डिवाइड बाई एन ए, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दिमाग में रखना, मास ऑफ वन एटम, जब एक ही एटम का मास निकालना है आपको, कहीं पर्टिकुलर एक एटम का मास निकालो या एक मॉलिक्यूल का मास निकालो, तो उसका एटम और मॉलिक्यूल ध्यान देना, मास ऑफ वन एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है, तो मोलर मास अपॉन एन ए, पर्टिकुलर एक एटम का मास जब भी आपको निकालना हो तो उसका मोलर मास डिवाइड बाई एन ए। अब इसके ऊपर मैं एक प्रॉब्लम आपके सामने रख रहा हूँ स्टूडेंट, थोड़ा सा ध्यान देना, प्रॉब्लम नंबर वन, इसे बहुत अच्छे से सॉल्व करिए इसको। क्वेश्चन साहब कैसा कह रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन, कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम, कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम, नाइट्रोजन के एक एटम का ग्राम में मास कैलकुलेट करो। देखिए कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम, देखो मैंने क्या बताया, वन एटम का मास का फॉर्मूला होता है मोलर मास अपॉन एन ए, वन एटम ऑफ नाइट्रोजन, एटम नाइट्रोजन का कैसा होता है बच्चों, आपको पता अभी बताया था एटम एन, मैं ऐसा एटम कहे तो एन होगा, इसको मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करूं तो एन प्लस एन क्या हो जाएगा एन टू, अब ये क्या बन गया डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, अभी तक ये एटम है, एक एटम है, जब एक एटम और एटम दोनों आपस में मिलेंगे, एटम्स आर कंबाइंड फॉर्म ऑफ एटम्स एंड फॉर्म मॉलिक्यूल, अभी क्या बन गया बच्चों मॉलिक्यूल्स बन गया। तो कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम, एक एटम नाइट्रोजन का ग्राम में मास कैलकुलेट करो, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला वन एटम की बात जब भी आए तो उसका एटॉमिक मास अथवा मॉलिक्यूलर मास, एटम के लिए एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास, तो एटम का मास नाइट्रोजन का मास कितना होता है स्टूडेंट 14/NA, मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन, तो उसका मोलर मास डिवाइड बाई NA, NA कितना है 6.022 × 10⁻²³, कितना आ जाएगा स्टूडेंट 14/6, राउंड अप रूल से करिए इसको, सिग्निफिकेंट करना आपको आता ही होगा, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 2. मान ले राउंड अप में 6.022, फास्ट कैलकुलेशन आप नीट वगैरह एग्जाम में करते हो, 022 की कोई वैल्यू नहीं, इसको राउंड अप आपने 6 मान लिया, 6 × 2 = 12, रिमाइंडर रह गए 2, यानी कि 6 × 3 = 18, 2.3 और 10⁻²³, देखो ये अपॉन में है, ऊपर जाएगा तो साइन चेंज होंगे, −23 हो जाएगा, ये आ गया आपके क्या आ गए मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन, क्या आ गया मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन। जैसे फिजिक्स में आपने सीखा होगा सिग्निफिकेंट करना, जब भी डेसिमल पॉइंट होता है वो हमेशा वन डिजिट के बाद ही लगता है, इधर से 1 और 9 के बीच में, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 2 डिजिट में नहीं लगेगा, ओनली 1 डिजिट के बीच में लगेगा, जैसे 1 से लगाकर 10 तक है तो ये 2 और 3 यहीं आया, 2 डिजिट के बीच में नहीं लगेगा, ऐसे 2, 3, 0 है, तो इस डेसिमल पॉइंट को आपको इधर लेके जाना है, 1 यूनिट के बीच में ही लगाना है डेसिमल पॉइंट, तब वो सिग्निफिकेंट हो जाता है पावर एक्सपोनेंशियल,
साइंटिफिक नोटेशन करना आप सीख चुके होंगे। अगर नहीं भी आता है तो बहुत जगह जरूरत पड़ेगी साइंटिफिक नोटेशन की, आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं कि मुझे साइंटिफिक नोटेशन नहीं आता। उन्होंने बताया था एन इंटू टेन डैश टू एन की फॉर्म में उसको सिग्निफिकेंट करना, और साइंटिफिक नोटेशन जिसको हम कहते हैं वैज्ञानिक भाषा के अंदर उसको निरूपण करना, तो 10^n होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूप में, 10 पावर जो भी होती है बच्चों उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूप में काउंट नहीं करते हैं, ये n के अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं उसको ही काउंट करते हैं। पहले भी हम पढ़ चुके हैं, इसको सीख चुके हैं, तो ये प्रॉब्लम आप नोट डाउन कर लीजिए। कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम, नाइट्रोजन के एक एटम का ग्राम में मास कैलकुलेट करो। तो एक एटम का मास निकालना है तो उसका एटॉमिक मास और मोलर मास डिवाइड बाई एन है, ये तो पता ही आपको। मास ऑफ वन एटम मतलब वो किसके बराबर होता है, वन मोल के बराबर होता है अपॉन एन ए। तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम, वन एटम का, तो इससे भी आपका सर हो जाएगा। वन एटम का मास नाइट्रोजन का 14 और यह होगा तो नंबर, यहाँ पर एक का मास निकालना है तो इसके नीचे आ जाएगा एन ए, तो इससे फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा। चलिए सेकेंड प्रॉब्लम पे हम बढ़ते हैं आगे, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो मोल कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले बच्चों आप परसेंटेज कंपोजिशन निकालना सीखते हो। परसेंटेज कंपोजिशन में भी आपको पता है क्या होता है, परसेंटेज कंपोजिशन पर्टिकुलर एटम का परसेंटेज कितना है 100 ग्राम के अंदर, 100 ग्राम पर्टिकुलर क्वांटिटी है उसमें उस एलिमेंट की कितनी मात्रा है उसको हम कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। आपने पढ़ा भी था कल पिछले लेक्चर में भी आपने प्रैक्टिस की है परसेंटेज कंपोजिशन, नहीं पता चलता हो तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करो पीछे, मैं वो भी मैं कराऊंगा क्लास में, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सेकेंड प्रॉब्लम करते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन, कैलकुलेट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। बच्चों क्वेश्चन नंबर टू, कैलकुलेट द मास, कैलकुलेट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स ऑफ, वन मॉलिक्यूल्स ऑफ, मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन, मीथेन क्या होता है CH4, कैलकुलेट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। फिर से बच्चों ध्यान देना, बात आई है वन मॉलिक्यूल्स की, वन मॉलिक्यूल्स की बात जहां भी आती है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स, तो हम देखते हैं वन एटम या वन मॉलिक्यूल्स का मास, पहले भी मैंने फॉर्मूला बताया, मास ऑफ वन एटम और वन मॉलिक्यूल, और वन मॉलिक्यूल्स, जब भी एक एटम या मॉलिक्यूल्स की बात आती है तो हम क्या करेंगे, वन एटम या मॉलिक्यूल्स की बात आएगी तो क्या करेंगे, उसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एन ए। मतलब मैंने पहले भी बताया था एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एन ए। देखिए अब यहाँ CH4 मीथेन, मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, कार्बन का मास आपको पता है बहुत अच्छे से, कार्बन का मॉलिक्यूलर मास होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 4, 12 और 4 कितने हो गए 16 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10^23, तो ये वन मॉलिक्यूल्स का मास आ जाएगा, वन मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। वन मॉलिक्यूल से वन एटम का मास निकालना है उसका मोलर मास डिवाइड बाई एन ए, एवोगैड्रो नंबर, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए बच्चों क्या आ जाएगा, इसको राउंड अप कर लीजिए, छः का भाग दे दीजिए 6 × 2 = 12, रिमाइंडर रहेगी 4 = 40, 6 × 6 = 36, 2.66 × 10^-23, ये क्या है बच्चों, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास की यूनिट क्या होती है ग्राम, अब ग्राम तो अच्छे से क्लियर कर दो, मास ऑफ वन एटम और वन मॉलिक्यूल, जब भी वन की बात आती है तो उसका मोलर मास या एटॉमिक मास डिवाइड बाय एन ए, वन एटम की बात आती है तो ऐसा करना है आपको। सेकंड प्रॉब्लम हो गई, अब हम एक और प्रॉब्लम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर जाते हैं हम, बहुत आसान है बच्चों, सब तरह के पब्लिकेशन हम आपको कराएंगे। ऑलरेडी फर्स्ट आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और इंटेक्स प्रैक्टिस कर ही लेना तो हो जाएगी, लेकिन हम जितने ब्रांडेड इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स वगैरह आते हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इवन दैट जितनी बुक्स मार्केट में चलती है एंट्रेंस एग्जाम लाइक IIT JEE और मेडिकल के लिए,
उन सब के कॉन्सेप्ट बिल्डअप करके सारी बुक सॉल्व करने की कोशिश करनी है आपको, है ना। तो अब एक और प्रॉब्लम लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर थर्ड। नंबर ऑफ प्रॉब्लम करने का मतलब नहीं, नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन करोगे तो उतना ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ हम जाते हैं। जैसे हमने दो क्वेश्चन किए, दोनों में हमने क्या निकाला है, वन एटम का मास या वन मॉलिक्यूल का मास निकाला है, तो उसका मोलर मास डिवाइड बाय एन ए फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ ही गया होगा। जब भी वन एटम की या ए एटम की, एक एटम की या एन एटम की या वन एटम की बात आएगी तो उसका मोलर मास डिवाइड बाय एन ए कर लेंगे। अब हम और टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम में जाते हैं, क्वेश्चन सीखते हैं। लिखिए बच्चों क्वेश्चन, कैलकुलेट द सॉरी हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4। How many moles of H2SO4 sulfuric acid are present in 4.9 gram of H2SO4 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4। अब क्वेश्चन को समझिए, 4.9 ग्राम, देखना 4.9 ग्राम H2SO4 है और उसके अंदर कितने मोल H2SO4 के हैं, कितने मोल H2SO4 के। पहले से बताओ कॉन्सेप्ट को समझो, H2SO4 पूरा एक मॉलिक्यूल है, H2SO4 पूरा एक मॉलिक्यूल से है, लेकिन इस H2SO4 के अंदर एटम कौन कौन से है, दो एटम हाइड्रोजन के हैं, वन एटम सल्फर का है और फोर एटम ऑक्सीजन का है, तो टोटल एटम कितने हो गए इसके अंदर, टोटल एटम इसके अंदर हो गए 7, लेकिन मॉलिक्यूल एक ही हुआ। आपको पूछा गया हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन, मतलब H2SO4 में एक मॉलिक्यूल का ही मोल पूछा है। सीता साहब के पास फॉर्मूला है मोल का, मोल इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एक्चुअल मास और एक गिवन मास ग्राम में, मोलर मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास H2SO4 का कितना होता है, मोलर मास और एक्चुअल मास। एक्चुअल मास आपको दे रखा है, कितना दे रखा है एक्चुअल मास, 4.9 ग्राम ये दिया है गिवन मास, 4.9 ग्राम अपॉन H2SO4 का मोलर मास। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे मोलर मास निकालना तो आपको आता ही होगा। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का 2 × 1.008 होता, मैं राउंड अप 1 ही लेता हूँ, प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 4, यानी कि 64 प्लस 32 प्लस 2, यानी कि H2SO4 का मोलर मास आएगा आपके पास 98 ग्राम। तो 4.9 डिवाइड बाई 98 कितना ग्राम हो गया बच्चों, ध्यान देना इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व आउट कर लो कितना मोल आ जाएगा, 0.05 राउंड अप करके भी आप कर सकते हो, 0.05 मोल। देखो एक तो ये बात मैंने आपको बताई थी पहले मोल निकालने के लिए। चलिए इधर देख, अब मैं उस मेथड का आपको कराऊं, H2SO4 के मोल, वन मोल मैंने पहले आपको एक लाइन बताई थी मोल कॉन्सेप्ट के लिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताई थी बच्चों, ध्यान देना, वन मोल इज इक्वल टू उसका एटॉमिक मास या मोलर मास, MW लिख रहा हूं मैं उसको शॉर्ट में, इज इक्वल टू NA। इससे अपन जाएं तो आपको क्या निकालना है, एक मोल H2SO4, देखना यूनिटरी मेथड इसको, और अल्टरनेटिवली मेथड से हम सॉल्व करते हैं, हम फॉर्मूले से नहीं करते, थोड़ा इधर देखो, एक मोल, तो एक मोल इज इक्वल टू उसका मोलर मास, H2SO4 का मोलर मास कितना होता है 98 ग्राम। अब हमको ग्राम कितना दिया उसने, 4.9 ग्राम, तो ग्राम के नीचे ग्राम रखो, 4.9 ग्राम में कितना, बस आपको मैंने कहा था यूनिटरी मेथड लगाइए आप, 4.9 × 1/98 वही आ जाएगा, 4.9 / 98 0.05 दैट्स ऑल। ये आपको पता है, बस सारे फॉर्मूले बोल के इससे ही बन जाएंगे, लेकिन एक्चुअली क्या है, एक आपकी आदत पड़ी होती है फॉर्मूला में चलने की, इसलिए हम ये मेथड यूनिटरी में, बस ध्यान ये रखना है कि ग्राम के नीचे ग्राम, मोल के नीचे। तो देखो एक मोल उसके मोलर मास के बराबर, H2SO4 का मोलर मास 98, तो 4.9 ग्राम में कितने मोल, कितने मोल, अथवा मोल का दूसरा फॉर्मूला है एक्चुअल मास बाई मोलर मास, तो उससे आपको
मोल मिल जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में देखो पूछ क्या रहा एग्जामिनर, वो ये पूछता कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन 4.9 ग्राम ऑफ एसओ। ये पूरी मॉलिक्यूल के मोल पूछे होते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर वो दर एक एटम के लिए मोल पूछ लेता, मॉलिक्यूल तो ये एक हो गया पूरा, H2SO4 एक ही मॉलिक्यूल है, लेकिन इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है, मैंने पहले ही बताया था, टू एटम्स हाइड्रोजन, वन एटम सल्फर एंड फोर एटम ऑक्सीजन, यानी कि टोटल सेवन एटम है। ईच एलिमेंट के मोल पूछता तो फिर आपका आंसर ये नहीं होता, तो फिर आंसर अलग अलग एटम के लिए अलग अलग मोल पाते हैं। ऐसी प्रॉब्लम भी हम आपको सिखाएंगे अभी थोड़ी देर में, मोल के रिगार्डिंग सारी प्रॉब्लम सिखा देंगे, ध्यान देना। और प्रॉब्लम करते हैं, एक आध प्रॉब्लम और करते हैं आपके दिमाग में बता देते हैं। सभी तरह से क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर फोर बच्चों लिखिए, तीन प्रॉब्लम हमने अभी तक सॉल्व की, आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे, आई होप आप अच्छे से सीखे होंगे थोड़ा बहुत। क्वेश्चन नंबर फोर लिखिए आप, कैलकुलेट द मास, कैलकुलेट द एक्चुअल मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन ग्राम। क्वेश्चन आपको पूछा, क्वेश्चन नंबर फोर, कैलकुलेट कैलकुलेट एक्चुअल मास ऑफ, कैलकुलेट एक्चुअल मास ऑफ, कैलकुलेट एक्चुअल मास ऑफ ए वॉटर मॉलिक्यूल इन ग्राम, एक्चुअल मास ऑफ ए वॉटर मॉलिक्यूल्स। वॉटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, H2। वॉटर मॉलिक्यूल्स इन ग्राम, कैलकुलेट द एक्चुअल मास। हम जानते हैं फॉर्मूला, पहले तो हम अपना फॉर्मूला ही लगा लें क्यों, एन इज इक्वल टू मोल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल मास या गिवन मास, एक्चुअल मास उसको हम गिवन मास ही कहते हैं जो प्रॉब्लम या क्वेश्चन में दिया होता है, अपॉन मोलर मास। ये फॉर्मूला तो हम जानते हैं, इंग्लिश पहले से पढ़ते आए, नाइन्थ से ही पढ़ते आ रहे हैं हम। कैलकुलेट द एक्चुअल मास ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल, ए वाटर मॉलिक्यूल, देखो एक्चुअल मास निकालना आपको, मोल और मोलर मास। वाटर का मोलर मास कितना होता है बच्चों, वाटर का मॉलिक्यूल मास कितना होता है, 18। एक्चुअल मास आपको कैलकुलेट करना है लेकिन मोल आपको नहीं दिया है, मोल नहीं दिया। अब आपके दिमाग बात क्लियर करने की, मोल नहीं है, वापस क्वेश्चन पढ़ो, ए वाटर मॉलिक्यूल मतलब एक ही वाटर के मॉलिक्यूल का आपको क्या निकालना है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। मतलब इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका लगे, यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा आपको, ए मॉलिक्यूल्स, मास ऑफ ए मॉलिक्यूल्स मतलब वन एटम या वन मॉलिक्यूल्स का मास निकालना है। पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था एक एटम का मास, यानी कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम में ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। बच्चे यहाँ पर लॉलीपॉप ले लेते हैं, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, यहाँ से पढ़ो, एक्चुअल मास ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल, ए वाटर तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, इसमें फॉर्मूला लगेगा मास ऑफ ए मॉलिक्यूल्स, ए मॉलिक्यूल्स मीन्स वन मॉलिक्यूल्स, ए मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है, वन मॉलिक्यूल्स। देखो बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ गलती कर बैठते हैं, लॉलीपॉप अपने आप से बन जाती है। ए मॉलिक्यूल्स मीन्स वन मॉलिक्यूल्स का मास निकाला, और वन मॉलिक्यूल्स के मास का फॉर्मूला क्या होता है, उसका मोलर मास MW अपॉन NA। वाटर का मोलर मास कितना होता है बच्चों, 18 डिवाइड बाई NA 6.022 इंटू 10^23। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर इस मेथड से सॉल्व होगा, 3 × 10^-23 आ जाएगा एक्चुअल मास, और मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम। तो अभी आप अच्छे से समझे होंगे 3 × 10^-23। यहाँ पर लैंग्वेज आपको समझनी पड़ती है। लास्ट प्रॉब्लम और कर लेते हैं बच्चों, इस तरह से हम बहुत सारी प्रॉब्लम करेंगे तो हमारे डाउट क्लियरिफाई होंगे, और भी हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट करीब 20-25 क्वेश्चन करेंगे अलग अलग तरीके से, तब आपके दिमाग में बैठेगा। यहाँ पर आप लॉलीपॉप क्यों ले लेते, क्योंकि आप क्या समझते हैं, एक्चुअल मास में मोल का फॉर्मूला लगा लेते तो ये नहीं लगाना होता था आपको। यहाँ पर ए मॉलिक्यूल मतलब एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है, मोलर मास बाई एन ए का फॉर्मूला लगेगा, और बैक फॉलो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ेंगे हम।
क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हम करते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन नंबर वन फिफ्थ में क्वेश्चन नंबर ए, क्या कैलकुलेट करना है, वन मोल ऑफ नाइट्रोजन, वन मोल ऑफ नाइट्रोजन एन टू फॉर्म। क्वेश्चन नंबर बी, वन मोल ऑफ फॉस्फोरस एटम, वन मोल ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस सी फॉर्म में आता है, ये ट्राई एटमिक है, ये डाई एटमिक है, इसमें दो मॉलिक्यूल मतलब दो एटम से एक मॉलिक्यूल बनता है, तो ये डाई एटमिक मॉलिक्यूल हो गया, ये ट्राई एटमिक हो गया। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी में 0.05 ग्राम ऑफ वाटर, 0.05 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, जैसा कि आप जानते हैं। तो ये तीन क्वेश्चन आपको इसके अंदर करने हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन वन मोल ऑफ नाइट्रोजन, एक मोल नाइट्रोजन के अंदर एटम निकालना है, एक मोल फॉस्फोरस के अंदर एटम निकालना है, और 0.05 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर आपको नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने हैं। तो वन मोल आप जानते हो एक फॉर्मूला, वन मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं, जब भी वन मोल की बात आती है तो आप क्या करोगे, वन मोल इक्वल टू 6.022 × 10^23 है ना। तो यहाँ पर मोल कितने हैं नाइट्रोजन के एटम, एक मोल की वैल्यू 6.022 × 10^23 होती है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के एटम कितने बच्चों, एन टू के एटम कितने, टू है, तो सीधी सी बात है भाई, एक मोल इजिकल टू 6.022 × 10^23, तो यहाँ पर एन टू है, अकेला नहीं है एन, एन टू है, फिर से देखिए, या फिर आप फॉर्मूले से जाइए, एक तीसरा फॉर्मूला और आएगा, फॉर्मूला इधर लिखता हूँ मैं आपके सामने, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला, एन इंटू एन ए, बच्चों बहुत आसान है आपको समझ आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम इन इजिकल टू एन इंटू एन ए इंटू एटॉमिसिटी, इस तरीके से आप जा सकते हो एटॉमिसिटी। देखो नंबर ऑफ एटम ही कैलकुलेट करना है, बच्चों ध्यान देना, अपने अपने तरीके होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, नंबर ऑफ एटम निकालना, एटॉमिसिटी नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है, टू इंटू एन, एन बराबर मोल आपको गिवन है, कितना मोल दे रखा है बच्चों आपको, एक मोल दे रखा है, इंटू एन ए कितना होता है 6.022 × 10^23, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 12.044 × 10^23, दैट्स ऑल, पहला क्वेश्चन हो गया आपका आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए का आंसर हो गया, आंसर ए का यहाँ पर क्लियर हो गया, एटॉमिसिटी टू है नाइट्रोजन की, इंटू वन मोल है, इंटू आएगा टू नंबर 12.044 × 10^23। अब ये राइट आंसर नहीं, इसको सिग्निफिकेंट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, मैंने आपको बताया था कि साइंटिफिक नोटेशन करते समय डेसिमल पॉइंट जो होता है आपका वो हमेशा वन और टू डिजिट के बीच में लगता है, मतलब ये जो डेसिमल है दो नहीं है उनकी, एक डिजिट के बीच में, एक और नाइन के बीच में लगेगा, ये 19 के बाद डेसिमल नहीं लग सकता, मान लो ये है तो इसको यहाँ से ले जाना पड़ेगा साइंटिफिक में, तो 12 है तो 12 में ये डेसिमल पॉइंट हमेशा किसी से इधर आएगा, तो इसको इस तरफ ले जाएंगे हम राइट हैंड साइड में, तो 1.2044 × 10^24, डेसिमल पॉइंट को हम इस साइड ले जाते हैं राइट हैंड साइड, तो पॉजिटिव में पावर बढ़ता है, जैसे 23 था तो अब पावर पॉजिटिव में बढ़ गया, कितना हो गया 24 हो गया, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया ए का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी के लिए, वन मोल ऑफ फॉस्फोरस, आप जानते हो वन मोल इजिकल टू 6.02, अब सेम यही तरीका, एन इंटू एन ए इंटू एटॉमिसिटी सेम, क्वेश्चन नंबर बी, आंसर बी, बच्चों मैं इधर कर लेता हूँ आंसर बी, मतलब नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, नंबर ऑफ एटम, एटम के लिए फॉर्मूला क्या है, एटॉमिसिटी, उस एटम की कितनी एटॉमिसिटी है,
इंटू एन इंटू एन ए। देखो एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है बच्चों, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने फॉस्फोरस के, वन मोल फॉस्फोरस के, इंटू एटोमिसिटी कितनी है फॉस्फोरस की, चार है, इंटू एन ए कितना होता है बच्चों 6.022×10^23। कर लीजिए सॉल्व हो गया। आप वो एक फॉर्मुलेशन कर सकते हो, एक मोल में इतना तो चार एटम है तो चार के लिए कितना, वो भी तरीका लगा सकते हो, यूनिटरी सब जगह चलेगी। लेकिन मान लो यूनिटरी नहीं आ रही है तो एटम के लिए, नंबर ऑफ एटम के लिए एन इंटू एन ए इंटू एटोमिसिटी, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए ये तो फॉर्मूला हुआ, नंबर ऑफ एटम जब भी निकालना हो तो नंबर ऑफ एटम के लिए एटोमिसिटी इंटू एन इंटू एन ए, और कभी आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो क्या होगा बच्चों, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए एन इंटू एन ए, बस इसको आप दिमाग में रखिए बहुत अच्छे से, ये फॉर्मूला, दूसरा ये फॉर्मूला, फॉर्मूला को दिमाग में रखिए, तो यहाँ आ जाएगा इसका 24 point something, सॉल्व कर लीजिए इसको। अब आंसर नंबर सी हम सॉल्व करते हैं, इधर देखिए बच्चों क्या है, 0.05 ग्राम ऑफ वाटर। देखो आप 0.05 ग्राम, पहले मोल का फॉर्मूला, ग्राम दे रखा है आप, मोल आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ एटम, तो पहले क्या कर दो आप, एन इज इक्वल टू मोल का फॉर्मूला, जीवन मास 0.05 और वाटर का मोलर मास 18, 0.05/18 यहाँ क्या आएगा, मोल आ जाएगा। अब आपको क्या कह रहा है, इसके अंदर क्या निकालना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम, एटम निकालना। अब ये मोल आ गया, मोल आने के बाद एन इंटू एन ए इंटू एटोमिसिटी, देखो एटोमिसिटी मैं इधर लिख रहा हूँ बच्चों, इंटू एटोमिसिटी, वाटर के अंदर कितने एटम हैं, देखिए H2O के अंदर 2 और 1 3 एटम है, 3 इंटू एन ए की वैल्यू 6.022×10^23 इंटू मोल, ये मोल आ जाएंगे 0.05/18, बस ये आ जाएंगे नंबर ऑफ एटम के बाद। तो फिर से देखो, नंबर ऑफ एटम के लिए एन इंटू एन ए इंटू एटोमिसिटी, ये फॉर्मूला आगे आगे रखो, नंबर ऑफ एटम के लिए एन इंटू एन ए इंटू एटोमिसिटी। अगर आप यूनिटरी से इसको करते हो, इसको बहुत आसानी से करना है, आप जानते हो 18 ग्राम वाटर का मोलर मास 18 ग्राम, इसको अल्टरनेटिव करते हैं, 18 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, 18 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, 18 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, तो हमारे पास ग्राम कितना दिया 0.05 में कितना मोल अपॉन ये अपॉन ये मोल आ जाएगा। मॉलिक्यूल्स के रेफरेंस करना है, देखिए 18 ग्राम इज इक्वल टू 6.022×10^23 मॉलिक्यूल, 23 मॉलिक्यूल्स, तो हमको उसने कितना ग्राम दिया है 0.05 ग्राम इज इक्वल टू कितना मॉलिक्यूल्स, दैट्स ऑल, डायरेक्ट हो जाएगा अपॉन 18 कर लो, वही आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने 5 प्रॉब्लम की है, वापस देखना मोल निकालने का फॉर्मूला, जीवन मास बाय मोलर मास, अथवा दूसरे तरीके से मास अपॉन एटॉमिक मास, जीवन मास बाय एटॉमिक मास, मोल निकालने का एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ स्पीसीज डिवाइड बाय एन ए, एक फॉर्मूला वी इन लीटर अपॉन 22.4 at SCP और वी इन ml 22,400 SCP। उसके अलावा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो एन इंटू एन ए, और नंबर ऑफ एटम निकालना है, नंबर ऑफ एटम निकालना है एटोमिसिटी इंटू एन इंटू एन ए, इस तरह से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू। अथवा यूनिटरी मेथड से भी आप कर सकते हैं। ओके।